जी हाँ, बांग्लादेश में हिंदू फाइनली ये समझ गए हैं कि अगर हमें अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करनी है तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये देखिए, हिंदूज हैव राइट टू लिव, द कंट्री डज नॉट बिलोंग टू एनी वन, नो माइनॉरिटी विल लीव द कंट्री। मैसिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट माइनॉरिटीज अटैक इन बांग्लादेश। जी हाँ, ये उसी मैसिव प्रोटेस्ट से ये सारी तस्वीरें हैं जो ढाका में इस वक्त हिंदुओं के द्वारा किया जा रहा है। हिंदू समझ चुके हैं कि हमें अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, और उनका साफ साफ कहना है कि ये किसी एक से बिलोंग नहीं करता है देश, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम यहीं पैदा हुए हैं और हमें और हमारे परिवार को यहाँ पे सुरक्षा चाहिए। और फाइनली यूनाइटेड नेशन ने बोला है इस बारे में, पहली बार यूनाइटेड नेशन ने इस बात को एक्सेप्ट किया और कंडम भी किया है कि हाँ जो है वहां पर माइनॉरिटीज पे बहुत ज्यादा अटैक किए जा रहे हैं। ठीक है, वी स्टैंड अगेंस्ट रेसली बायस्ड अटैक्स ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अटैक्स हो रहे हैं उनके साथ हम, उन अटैक्स के अगेंस्ट हम खड़े हैं, ऐसा यूनाइटेड नेशन का कहना है। ठीक है, तो फाइनली यूनाइटेड नेशन ने कुछ बोला है। सबसे पहले अगर बात करें कोई बोलने वाला उसके बारे में है तो इसराइल। अगर जिस दिन ये प्रोटेस्ट हुए हुए जिस दिन हिंदुओं पर अटैक स्टार्ट हुए हैं उसी के नेक्स्ट डे इजराइल ने सबसे पहले इस बात को बोला। इजरायली एम्बेसडर रेस अलार्म ओवर अटैक्स ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश, सबसे पहले इजरायली था जिसने बोला। इसके बाद में जो है, खैर यूनाइटेड नेशन ने भी बोला है, लेकिन हम इस चीज को समझेंगे कि बांग्लादेश प्रोटेस्ट हेल्ड इन ढाका अगेंस्ट वायलेंस टारगेटिंग हिंदू। हिंदू को जिस हिसाब से उनके मस्जिद मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनके जो है घरों को आग लगा दी गई, उनके घर का खाने पीने का सामान बर्तन तक लूटे गए, साथ ही जो है मतलब इवन मतलब की और महिलाओं तक को उठा लिया गया, इस तरह के जो है जो रिपोर्ट्स में और इवन काफी न्यूज चैनल ने भी और काफी इंटरनेशनल संस्थाओं ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, बांग्लादेशी हिंदू प्रोटेस्ट पैक ढाका, माइनॉरिटीज डिमांड सेफ्टी से हिंदू लिव्स मैटर। उनका कहना है साफ साफ कि भाई हिंदू हैव राइट टू लिव, उनका भी जीवन महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है इस तरह के मैसिव प्रोटेस्ट, आप ये प्रोटेस्ट देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है, बांग्लादेशी हिंदू ट्राई टू क्रॉस इनटू इंडिया, मतलब इंडिया में क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको अभी हम बात करेंगे कि किस तरह से लोग बॉर्डर पे इकट्ठा हुए और इंडिया में अपनी जान बचाकर, कुछ लोग तो कुछ लोगों के साथ ऐसे हादसे हुए जिसकी वजह से भाग, कुछ लोग उन हादसों को देखकर डर कर कि हमें और हमें अपने परिवार की अगर जान बचानी है तो हमें भागना है इंडिया की तरफ, लेकिन इंडिया पे सारे बॉर्डर सील होने की वजह से उनको यहाँ से कोई हेल्प मिली नहीं है और उनको वापस जाना पड़ा। ऑल आई जान बांग्लादेश से हिंदू, ये सारे जो है ये प्रोटेस्ट से आ रहे हैं, उसी प्रोटेस्ट से आए हैं। हंड्रेड्स ऑफ हिंदूज प्रोटेस्ट अगेंस्ट वायलेंस, ये ढाका में बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है। इज दिस द वे टू ट्रीट माइनॉरिटीज, आप क्वेश्चन देखिए इनका, ठीक है, इज दिस द वे टू ट्रीट माइनॉरिटीज, ये हिंदुओं का क्वेश्चन है जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए इस तरह से बहुत ही ज्यादा मैसिव प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हो रहे हैं, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में जो है, और ये समझ गए हैं कि अगर हमें बचना है बेसिकली इस तरह के अटैक से और अपने अपने परिवार की सुरक्षा करनी है तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और इसी बीच जो वहां के अंतरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर कहें जो मोहम्मद यूनुस, तो मोहम्मद यूनुस ने भी जब भारत की तरफ से पहले बोला कि हमें आंतरिक, ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें भारत को नहीं बोलना चाहिए, बट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ट्वीट आती है और उस ट्वीट में पहली बार, अगर मैं बात करूं इतने सारे आप जाके उनके ट्वीट देख लीजिए, पहली बार किसी ट्वीट में उन्होंने हिंदू शब्द का यूज किया है, पहली बार किसी ट्वीट में। ठीक है, और उन्होंने साफ साफ बोला इस चीज को कि वी होप फॉर एन अर्ली रिटर्न ऑफ नॉर्मलसी इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिंदूज एंड ऑल अदर माइनॉरिटीज कम्युनिटी। तो ये हिंदू शब्द पहली बार उनके ट्वीट में मिलेगा, अदरवाइज वो बचते रहे। इसके बाद जो है, खैर वहां के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने बोला कि हाँ जो है, हाँ यहाँ पे अटैक हुए हैं और हम उसको कंडम करते हैं और हम जो है इस चीज को के लिए कोशिश करेंगे कि इस तरह के अटैक्स ना हो। ठीक है, तो आप देखिए इसके अलावा बाकी एक बहुत, मतलब आप लोग उम्मीद नहीं किए होंगे, सोचे नहीं होंगे किस तरह का हो सकता है, उम्मीद तो थी बट हाँ ऐसी कोई न्यूज में अभी तक दिखाया नहीं गया था। डिस्परेट टू स्पेक टू इंडिया, स्केप टू इंडिया बांग्लादेश, ठीक है, मतलब वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि बांग्लादेश का कब बॉर्डर खुले, कब हम इंडिया में प्रवेश करें। इस तरह से आप देखिए ये देख रहे हैं, ये सब कहाँ पे है, ये सब नदी पार करके भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई और नहीं, ये हिंदूज हैं जो वहां से डरे हुए, जो वहां से लूटे जाने के बाद भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई और नहीं, ये हिंदूज हैं। ठीक है, जो एक्चुअल में बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीर देखिए, कितने सारे वहां से भागकर इसके बाद में बॉर्डर पर कि हाँ जो है हमें बॉर्डर खुले और हमें भारत में प्रवेश मिले और हम भारत में प्रवेश करना चाहते हैं। बाद में बीएसएफ ने क्या किया, बीएसएफ ने इन सभी को समझा बुझाकर और इसके बाद में बाहर भेजा।
ठीक है, इन सभी को समझा बुझाकर बीएसएफ सेंड्स बैक 1000 मेन मोस्टली हिंदूज, ठीक है, बैक टू बांग्लादेश। जो बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पर जो कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट में है वहां पर इकट्ठा थे, उन सभी को वापस भेजा गया। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि फाइनली जो है कम से कम इंटरनेशनल लेवल पर भी उनको सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जल्दी इस वायलेंस का अंत होगा। थैंक यू।